आज मैं एक छोटी राइड ले रहा हूँ शारजा से अजमान एंड बैक। इंटरनल रोड से जाएंगे तो मैं सोचा ये मैं वीडियो शेयर करूँ। ऑलराइट गाइस, सो लेट मी गेट टू माय बाइक एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो यस, मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैंने गाड़ी का आगे का जो विंडस्क्रीन है वो निकाल दिया हूँ, तो गाड़ी अभी कुछ ऐसी लग रही है। इसीलिए इस सिटी राइड के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए, सो दैट आई हैव अ क्लियर व्यू फ्रॉम हियर। सो लेट्स स्टार्ट द राइड एंड गेट द ग्लव्स ऑन और फिर हम निकलते हैं, जब तक गाड़ी भी थोड़ी गर्म हो जाएगी, विच इज़ माई रेगुलर प्रैक्टिस। गाड़ी को थोड़ा गर्म करना चाहिए सो दैट सारे ऑयल्स लुब्रिकेंट्स जो है इनके इंजन में दौड़े एंड आई एम रेडी। तो गाइस, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा तो ब्रॉड डे लाइट में आएगा एंड हियर वी आर। सो लेट मी होप ऑन और चलते हैं भैया। आई होप यू गाइस लाइक द व्यू। हवा का भी पता चलेगा, बाइक और खुली खुली लग रही है, विच आई रियली लाइक इट। So let's do it. सामने से गाइस, ये ब्रिज के ऊपर से हम यूटर्न लेंगे और अजमान। सिटी सेंटर और सिटी सेंटर से हम फिर से राइट लेंगे और ये आ गया अपना अलवाहद स्ट्रीट, जिसके आगे आप ये बिन कामिल बिल्डिंग दिख रही है राइट साइड पे, विच इज़ वेरी फेमस ऑन दिस रोड। और सीधा अजमान होता है उस नए ब्रिज से। राइट पे आपके है एस हार्डवेयर, फिर अल्फला है जो पहले अल्फला था, अभी दोनों सेंटर हो गया, तो ये दोनों का हाइपर मार्केट है। देन वी आर ऑन दिस ब्रिज विच विल टेक अस राइट टू द हाईवे एंड स्ट्रेट अहेड टू अजमान। ये एक्चुअली ये जो रोड है ये अपना रूलर्स ऑफिस लेफ्ट पे आपको दिख रहा है, विच गोज अंडरनीथ द बुक राउंड अबाउट विच इज़ वेरी फेमस ओवर हियर। अभी हम अंदर से जा रहे हैं, बुक राउंड अबाउट के नीचे इन्होंने एक बाईपास बनाया है जिससे हम बाहर निकल के एंड देन वी विल बी हिटिंग टुवर्ड्स द अजमान हाईवे। तो गाइस, मैं बता रहा था कि मुझे जो है ना सिटी राइड करना था, इस वजह से मैं इंटरनल रोड्स ले रहा हूँ और ये सारे रोड्स जो है दीज आर ऑल गोइंग थ्रू द सिटी। और शारजा से पास होते हुए हम मेरे पीछे जो है वो क्रिकेट स्टेडियम का रोड है, जो शारजा फेमस शारजा क्रिकेट स्टेडियम में इंटरनेशनल मैचेस होते हैं और अभी फिल वक्त आईपीएल चल रहा है। तो ये रोड मैं हमेशा इंटरनल रोड लेता हूँ बिकॉज इट्स फन टू राइड एंड देयर आर पीपल अराउंड एंड ट्रैफिक इतनी फास्ट नहीं होती है। तो ये लो जी, हम पहुँच गए हैं अजमान और अजमान इंडस्ट्रियल एरिया ऑन द राइट। एक्चुअली देखा जाए तो ये रोड जो है आधा शारजा में है एंड आधा अजमान में, जो अभी मेरे पीछे गया। तो ये ब्रिज जो पीछे मेरा एक ब्रिज गया है उसके नीचे जैसे ही हम क्रॉस करते तो वी आर इन द अजमान बॉर्डर विच इज़ वन ऑफ द एमिरेट्स ऑफ यूएई। ये लेफ्ट में मैं बता रहा हूँ आपको जीएमसी हॉस्पिटल है जो
फेमस लैंडमार्क है एंड देन वी गो स्ट्रेट अहेड फ्रॉम हियर एंड दिस इज इतिसलात ऑन द लेफ्ट. ये वो सिटी सेंटर अजमान का रोड है राइट साइड पे और सीधा जो है वो हमरिया उमल क्वेन रासल खेमा. दिस इज़ द ओल्ड रोड विच टेक्स यू देयर. अच्छा जी, अभी मैं आपको ये बताऊंगा, ये ब्रिज से हम जैसे ही उतरेंगे तो राइट साइड पे यूएई कोविड टेस्ट जो आपको राइट पे दिख रहा है बड़ा टेंट, तो यहाँ पर फ्री टेस्टिंग होती है और ये जो है इट्स फॉर द होल नेशन. पीपल कैन कम फ्रॉम एनी एमिरेट्स एंड यू नो गेट देयर कोविड टेस्ट डन हियर. और ये इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को टेस्ट कराएं एंड काफ़ी नंबर्स में लोग टेस्ट करा रहे हैं. और ये आ गया है अजमान खलीफा हॉस्पिटल ऑन द लेफ्ट और सीधा हम जाएंगे मैकडॉनल्ड्स हमारे राइट पे आएगा और ये है मॉल विच इज़ ऑल्सो फेमस बट नाउ कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन. क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो चल रही है वो बेटर इम्प्रूवमेंट ब्रॉडर रोड्स के लिए ये लोग कर रहे हैं बेटर इम्प्रूवमेंट्स के लिए. तो देखिए बाद में कैसे ये रोड और फास्ट हो जाता है. लेट्स सी, ये मैकडॉनल्ड्स आ गया. अब हम यहाँ से यू टर्न लेंगे लेफ्ट पे. अजमान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जहाँ पर डेंटल होता है और सारी डॉक्टरी की कोर्सेज यहाँ पर होती है. और ये काफ़ी पुराना यूनिवर्सिटी है और ये पूरा जो एरिया भी मैं अंदर आ रहा हूँ दीज आर यू नो लाइक बिजनेस सेंटर्स. और ये सामने जो बिल्डिंग्स है ये स्टूडेंट्स के एकोमोडेशंस है. तो यू नो दे आर जस्ट राइट बैंक ऑपोजिट टू द यूनिवर्सिटी. तो बच्चों के लिए ये बहुत इजी है. और ये लो जी मैं पहुंच गया अपने पेरेंट्स के घर पे. सो सी यू गाइस ऑन द वे बैक. सो गाइस मैं आया था अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए और अभी मैं बैक टू आवर अजमान शारजा रोड. ओके मामा, ओके हेडिंग बैक टू शारजा. तो आ रही है लिफ्ट और हमारी बाइक खड़ी हुई है. सो ऑल सेट टू गो, लेट्स स्टार्ट द इंजन. इंजन हो गया है चालू और हमारी गाड़ी निकली यहाँ से. ये रास्ता सीधा निकलेगा बाहर और हम टर्न ले लेंगे और निकलेंगे सीधा बाहर. तो चलो गाइस लेट्स गो बैक. तो अभी कोशिश करते हैं यहाँ से निकलकर सेम रूट से नहीं जाएंगे. जैसे ही हम वो ब्रिज को चढ़ेंगे अजमान का जो नया ब्रिज है वहाँ से फिर हम लेंगे अजमान पोर्ट की तरफ. अजमान पोर्ट की तरफ से हम बीच साइड से निकलेंगे और सीधा कोस्टल लाइन पकड़ के हम जो है वी विल रीच शारजा, शारजा फिश मार्केट एंड देन बुहेरा कॉर्निश एंड. तो ये रहा सामने अपना राइट टर्न, अजमान पोर्ट की तरफ राइट जाता है. हम आए थे सीधा क्रिकेट स्टेडियम रोड से शारजा से मगर हम वो रूट नहीं ले रहे हैं अभी. ये राइट टर्न जो है अपने को लेके जाएगा अजमान पोर्ट की तरफ. पहले हमारे राइट में आएगा फिश मार्केट जो अजमान का फिश मार्केट है. बहुत लोगों को ये रास्ता नहीं पता फिश मार्केट का और यहाँ की मार्केट बहुत ज़बरदस्त है. यू कैन डू अ लॉट ऑफ बारगेनिंग, फ्रेश सप्लाईज आती है और अक्सर मैं यहीं से फिश और जो भी सी फूड आइटम है ये राइट पे जा रही है. और इसके बाद आएगा शुरू होगा अजमान पोर्ट एंड कस्टम्स. तो सारा ट्रेडिंग जो है ये पोर्ट एंड कस्टम्स की ऑफिस की पार्किंग है. ये तो आउटसाइड कैबिन्स की है और ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है और
राइट पे मेरे गेट है पोर्ट का, सामने जो बिल्डिंग है यही ऑफिस है अजमान, गवर्नमेंट ऑफ अजमान, और ये सारा पोर्ट का एरिया है। यहाँ से हम, ये पूरा कोस्टल लाइन है, यहाँ से हम सीधा निकलेंगे लेफ्ट साइड पे, मैं बता दूँ इसी मस्जिद के लेफ्ट साइड पे आप लोगों को फ़िशिंग का सामान मिलेगा। बहुत मेरे दोस्त पूछते हैं कि भाई फ़िशिंग, ये जो ब्लू स्ट्रिप की जो बिल्डिंग दिख रही है लेफ्ट पे मेरे, ये पूरा फ़िशिंग की इक्विपमेंट्स ये लोग बेचते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त आपको बार्गेन्स यहाँ पर मिलेगी। और ये राइट पे है रूलर्स पैलेस, सॉरी रूलर्स ऑफिस है ये, और सामने हमारे है शेरिटन, और शेरिटन के बाद हम आ जाएंगे ये रास्ते पे जो टर्न मार रहे हैं। दिस इज़ अ कंप्लीट बीच, बीच एरिया, शाम को यहाँ पर फुल भरा रहता है। तो ये अजमान का बीच है जो बहुत फेमस और पॉपुलर और यू नो पिकनिक पॉइंट होता है, और यहाँ स्विमिंग के लिए लोग आते हैं एंड दे एंजॉय अ लॉट। तो मैं यहीं से लेते हुए आपको जाऊँगा शारजा। शारजा में भी एक बहुत ज़बरदस्त बढ़िया बीच बनाया है इन्होंने, और ब्रांड न्यू है जो अभी ओपन हो चुका है, सेम अजमान के साथ कनेक्टेड। जैसे ही अजमान बॉर्डर ख़त्म होता है तो ये चालू होता है। ये राइट पे पूरा अजमान का बीच है, ज़बरदस्त बीच है। वी ऑल्सो कम हियर फॉर फिशिंग, और बड़ी मच्छी मिलती है यहाँ पर। सो ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन फिशिंग कैन कम दिस साइड एंड यू नो फाइंड अ गुड स्पॉट। ये सब फूड कोर्ट है आपके राइट पे, शीशा एंड ऑल दैट। तो लेट्स नाउ टच शारजा। ये राउंड अबाउट के बाद शारजा है। तो अभी ये राइट टर्न ले लिया मैंने, ये शारजा है, और शारजा का जो नया बीच, ये तकरीबन 3 किलोमीटर्स का बीच है, और इस बीच के ऊपर इन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ अभी डाली है, जैसे कि डाइनिंग टेबल है, टेबल्स है बैठने के लिए, लोगों को सीट्स बनाई गई है। एंड दिस वाज एक्चुअली, ये पहले एकदम डेड एरिया था, एक नॉर्मल बीच था, सिर्फ सैंड स्टार्टिंग फ्रॉम द रोड। तो अभी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बना दिया, मैट वैट लगा दिया, वॉकिंग के लिए, रनिंग साइकिलिंग के लिए एक एरिया बनाया है। और ये हमारे राइट पे जो है शारजा वुमेंस क्लब जा रहा है। शारजा वुमेंस क्लब के आगे शारजा रूलर्स पैलेस है, जो आई थिंक ये पुराना वाला है पैलेस। और इसके आगे हमारा आएगा शारजा का पुराना शिपिंग पोर्ट। राइट साइड पे आपके पोर्ट भी रहेगा जो खालिद पोर्ट है। तो अभी इसके बाद जो है वो राइट साइड पे बीच ख़त्म होकर, और ये अपना शारजा का ओल्ड सूक या ओल्ड मार्केट, ईरानी मार्केट बोलते हैं, ये मस्जिद जहाँ आपको दिख रही है इसके बिल्कुल आगे ये आ गया। लेफ्ट से शुरू होता है टिल द एंड, और वहाँ पर आती है फिश मार्केट, बर्ड मार्केट, जहाँ पर फिश और बर्ड्स, यू नो लाइफ स्टॉक, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इन्जॉयबल राइड है, क्योंकि ये रोड, ये स्ट्रेच के ऊपर एज यू कैन सी कोई गाड़ी नहीं है, और यू नो आई रियली इन्जॉय राइडिंग ओवर हियर, और क्योंकि खाली होता है अक्सर। तो यहाँ पर एक यू नो छोटा सा कैफेटेरिया जैसा बनाया हुआ है, एंड यू नो पीपल कम हियर इन द इवनिंग, दे हैव अ लॉन्ग वॉक। ये पूरा एरिया भी यहाँ से लेफ्ट पे आपका ओल्ड मार्केट है शारजा का, तो मैं वहाँ से ले लूँगा। अभी नेक्स्ट टाइम वी विल शो यू द अदर साइड ऑफ दिस बीच, दिस वॉकवे। तो यहाँ से मैं रोला से जा रहा हूँ, एंड पीपल वुड लव टू सी दिस प्लेस एम्प्टी। अभी ये जगह पे आपको इतनी रश मिलती है, तो इट सेज स्माइल यू आर इन शारजा। तो ये बिल्कुल वही जगह है जो मैं पहले भी इसको दे चुका हूँ वीडियो में, प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो उसके अंदर थोड़ा सा क्लिप था इसका। और ये अपनी राइट पे जो है शारजा फिश मार्केट है,
और ये फिश मार्केट को हम क्रॉस करते हुए हम आएंगे सेंट्रल सूक पर, जो कि यू नो मोस्टली गोल्ड फॉरेनर्स आते हैं और यू नो दे टेक गोल्ड फ्रॉम हियर. दिस इज़ बेसिकली अ गोल्ड मार्केट, सेंट्रल सूक वी कॉल इट. और शॉपिंग के लिए अक्सर लोग शारजा में दे आर लुकिंग फॉर बाइंग गोल्ड. यहाँ पर है, ये पुराना मार्केट है. इट्स ऑल्सो कॉल्ड द ट्रेन, इट लुक्स लाइक अ ट्रेन, सो यू नो इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रेन मार्केट. सामने आपको दिखेगी क्रिस्टल प्लाजा. ये तीन बिल्डिंग्स हैं क्रिस्टल की शेप में, तो इसका नाम क्रिस्टल प्लाजा दिया गया है. और ये पूरा स्ट्रेच जिधर से मैं भी जाऊँगा राइट लेके, ये राइट लिया और ये है शुरुआत बुहेरा कॉल्ड. सो गाइस आई एम बैक नाउ, ये मेरा डेस्टिनेशन है. तो मैं आई एम बैक टू शारजा फ्रॉम अजमान. आई होप यू गाइस लाइक्ड द वीडियो और बहुत सारे लोगों की मेमोरीज रिफ्रेश हो गई होगी, तो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट. और कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड आई बी ब्रिंगिंग सम न्यू ट्रिप्स अहेड. सो आई एम बैक, आई एम एट माई पार्किंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.